तो आज ना मैं तुमको एक बात बताता हूँ, सारी गलतफहमियां दूर कर देते हैं आज। चलो बाय बाय। जा ना। How was your day? People. Morning guys, welcome back to another vlog. आज है day 56. शुरुआत करते हैं एक नए दिन की। मधु हो गई है रेडी, मैं भी होता हूँ रेडी। थोड़ा लेट हो गया, मैं अलार्म बंद कर फिर से सो गया और अभी मधु ने उठाया, तो थोड़ा लेट ना हो जाओ। चलो फटाफट रेडी हो। सीन होगा आजकल तगड़ा ना, बाहर हो रहा है पेंट खिड़की के बाहर ना उन पे जंगलों पे, और हमको लॉन्ड्री डालनी नहीं हो रही बाहर, और जरा वो खिड़की भी नहीं खोल सकते हैं, वो वेंटिलेशन भी नहीं हो रहा है, और कपड़े यहाँ फैला रखे हैं हमने आजकल। स्मेल सी आने लग गई घर में। मधु निकल गई हमसे पहले। बाय बाय। जा जा ना। चल ठीक है बाय। चलो जी मधु निकल गई है, हम चाय पीते पीते आ लोगों के कमेंट पढ़ रहे हैं, रिप्लाई कर रहे हैं, थैंक यू। एक लाइक और कर लिया करो यार, कई लोग ना भूल जाते हैं, कोई नहीं अगर टाइम मिलेगा तो कर देना। हाँ जी निकल चुके हैं घर से एकदम चकाचक, तो आज तो मफलर पहन के ठंड हो रही है शाम को। तो आज ना मैं तुमको एक बात बताता हूँ, सारी गलत फहमियाँ दूर कर देते हैं आज। चलो एक भाई कमेंट कर रहे थे ना कल कि भाई मेरे पास बहुत सारी जमीन है इंडिया में, और मैं ना फ्यूचर की सोच रहा हूँ कि इंडिया में ही सेटल हो जाऊँ या कहीं बाहर सेटल हो जाऊँ। 4 एकड़ जमीन है यार भाई के पास, मतलब यह है कि पैसे की कमी नहीं है। मेंटल पीस के लिए ना पैसा सब कुछ नहीं होता, ये बात मैं उनकी एग्री करता हूँ। और क्वालिटी ऑफ लाइफ है ना जो, वो जापान में ना क्वालिटी ऑफ लाइफ है, लेकिन एट द सेम टाइम इंडिया में फ्रीडम है। इंडिया में भाई बहुत फ्रीडम है, और इंडियन हमारा जो कल्चर है ना, यहाँ पर बहुत कम लोग सूट कर पाते हैं। ट्रैवलिंग के लिए अच्छा है, वर्किंग के लिए अच्छा है, फॉर अ शॉर्ट पीरियड, छोटे समय के लिए अच्छा है यहाँ पे, लेकिन अगर लंबे समय अगर कोई यहाँ रहना चाह रहा है ना, तो सबसे पहला जो प्रॉब्लम है ना वो है लैंग्वेज बैरियर का। जापानीज तुम चाहे यहाँ जिंदगी भर रहो, तुम पूरी कभी नहीं सीख सकते हो यार। मेरे को अभी प्रॉब्लम आती है, 7-8 साल हो गए और अभी भी यू का मेरी इतनी हेल्प करती है, वो परेशान हो जाती है, जबकि मैंने जो लीस वाला टेस्ट है वो भी पास कर रखा जापानीज में। जैसे हम लोग इंडिया से हैं ना, तो हम लोगों को आदत पड़ी है किसकी, जुगाड़ से काम करवाने की। यहाँ पर क्या है, तुम चाहे राष्ट्रपति हो, लाइन पे तो लगना ही है सबको, तो मतलब ऐसे छोटी छोटी चीज़ें इंडिया में थोड़ा सा एटीट्यूड है लोगों में। यहाँ पर लोग काफ़ी डाउन टू अर्थ हैं, तुम किसी भी बिजनेसमैन को देखोगे ना, वो पैदल चल रहा होगा रास्ते में, ऑफिस में जाओ ना तो जो ऑनर होगा ना किसी बिजनेस का, वो बाथरूम साफ कर रहा होगा खुद ही। तो मतलब कोई भी काम ऐसा नहीं है यहाँ पर छोटा बड़ा, कोई क्लास नहीं है, कोई वो नहीं है जैसे कैस्ट सिस्टम, सब सारे काम करते हैं। यहाँ पर रिस्पेक्ट है, जैसे सीनियर की रिस्पेक्ट करनी पड़ती है, वो कल्चर है इनका। ऑल्सो क्या होता है कि जैसे अगर हम लोग कभी बाहर बाहर चले गए ना ड्रिंक वगैरह करने, तो सीनियर भी जूनियर की रिस्पेक्ट करते हैं, दे पे फॉर देम, ठीक है। तो जो जूनियर हैं वो पे नहीं करते, सीनियर्स पे करते हैं, तो ये है। सेम पाई को हाई बोलते हैं इनको जापानीज में। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं भाई आपने कंसिस्टेंसी रखी है ब्लॉग की, और बहुत सारे लोगों ने ना वो कमेंट्स की कंसिस्टेंसी ऐसे रखी है ना, ब्लॉग डालते ही भाई धड़ से, सो थैंक यू फॉर सपोर्टिंग, बहुत बहुत धन्यवाद यार आप। आज भी 10-10, तो रात को एक फ्रेंड से बात कर रहा था, कह रहा कि वक्त तो मेरे को पता चल गया तो 10-10 पे निकलता है, उससे पहले अगर तुमने फ़ोन नहीं उठाया तो मैं मारूंगा तुझे। एक भाई कल रात को पूछ रहे थे कि आप इंग्लिश टीचर हो क्या, मैं कहा नहीं भाई इंग्लिश टीचर तो नहीं है, मैं कहा ऐसा क्यों लगता तुम्हें कि आप ना काफ़ी कॉन्फिडेंट हो और आपका एक्सेंट काफ़ी अच्छा है। तो एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, इंडिया में ना लोग ना बहुत जज करते हैं, इन द सेंस अगर आपका एक्सेंट अच्छा है ना, आप चेंज करने की सोच रहे हो ना, तो लोग आपको चिढ़ाने लग जाएंगे कि अरे एक्सेंट मारा ये वो, उसमें गलत नहीं है कुछ भी, ठीक है। कीप वर्किंग ऑन योर सेल्फ, ठीक है। अगले दिन जो लोग चिढ़ा रहे हैं ना तुम्हें,
अगले दिन वो एक पैसा नहीं देंगे तुम्हें अगर तुम्हें कहीं नौकरी लगी तो, समझ रहे। तो कीप वर्किंग ऑन योरसेल्फ, डोंट वरी अबाउट द पीपल, ठीक है। आपने इंग्लिश सीख ली है ना, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके बाद क्या है, व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप, वर्क ऑन योर एक्सेंट। व्हाई? व्हेन यू गो वर्ल्ड वाइड पीपल विल बी एबल टू अंडरस्टैंड यू मोर, समझ रहे हो। अगर आपको इंडिया में ही रहना है ना तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपको वर्ल्ड वाइड ट्रैवल करना है, कहीं और जॉब करनी है ना, तो क्यों नहीं है, समझ रहे हो। कई बार इंडियन एक्सेंट बहुत फास्ट होता है, किसी की समझ में नहीं आता, कैच नहीं होता, तो तुमको रिपीट करने की ज़रूरत क्या है, अगर आपका एक्सेंट अच्छा है, समझ रहे। मैं आजकल मधु के उस पर भी काम कर रहा हूँ, ऐसे आप लोगों ने देखा होगा शुरू के ब्लॉग से अभी तक चेंज हो रहा है धीरे धीरे, कुछ गलत नहीं है इसमें, ठीक है। जैसा देश वैसा भेज, अगर कोई इंडिया जाता है ना तो वो इंडियन हिसाब से नहीं रहे ना तो हम लोग को दिक्कत होती है, वैसे बाहर भी अगर हम बाहर उनके हिसाब से नहीं रहेंगे तो उनको भी दिक्कत होगी, हमारा मजाक उड़ेगा। तो मजाक क्यों उड़ाना है, अगर तुम कुछ कर सकते हो तो क्यों नहीं करना। बी पॉजिटिव अबाउट थिंग्स, लेट्स गो। देखो जब आपका ना एक्सेंट अच्छा हो, कॉन्फिडेंट हो, तो आप दो लोगों के बीच में जाओ ना तो दबदबा बना रहता है। वो पांडे जी बोल रहे थे ना दबंग वाली मूवी में, देख दबाव बना लेना चाहिए। धीरे चले आगे माउंट फूजी है। अगर वर्कआउट नहीं किया ना सुबह तो सीढ़ियां चढ़ो, एस्केलेटर नहीं। आज पहुंच गया हूं, चाय ले ली एकदम रॉयल। अभी सीन हो गया, पता क्या, मेरे ना जो ये ट्रेन का पास है उसमें पैसे नहीं थे, उससे शॉपिंग भी हो जाती है ना, तो मेरे को ये चाय लेनी थी, और मेरा जो वॉलेट है ना कल वाली जैकेट के जेब में रह गया घर में। तो फटाफट भाई, अच्छा हुआ मेरा क्रेडिट कार्ड था फ़ोन में, तो उससे फटाफट हो गया काम। तो चलो करते हैं थोड़ी देर काम, लेके भगवान का नाम, मिलते हैं सीधे शाम। अरे ये तो राइम हो गया। हाँ जी, काम खत्म, पैसा हजम, निकल चुके हैं घर के लिए। हाउ इज योर डे पीपल? सो सो एंड सो कोल्ड एंड आई एम टायर्ड, सो लेट्स गो, लेट्स कुक समथिंग एंड ईट एंड स्लीप। चलो हाँ जी, पहुंच गए अपने स्टेशन पे, मधु का वेट कर रहा हूँ, 10 मिनट में आ जाएगी, इतने में छान मारता सुपर मार्केट।
इसको बोलते हैं सुशी। ये ऊपर से है वो फिश के वो है पीसेस, नीचे राइस है। मधु से बात हो गई है, अब हम नूडल्स बनाएंगे। सामान मैंने ले लिया, एक पोटैटो चिप्स और लेता हूँ मधु के लिए सरप्राइज। आ गई है भाई मधु। क्या मैं क्या खा रहा हूँ? चलो, हाउ वाज योर डे? इट वाज गुड। क्या खा रहे हो? गुड, वन मोर डे टू गो। पोटैटो चिप्स, भूखड़ लोग। वो तो मेरा याकी सोबा। जा रहे हैं घर की तरफ, बनाएंगे याकी सोबा नूडल्स, जिसको इंडिया में चाउमीन भी बोलते हैं। परसों वहां गया था ना भिंडी बाजार, वहां से लेके आया था भर के। Make some noise for the Desi boys! तो राजी खुशी। चलो भाई निकल लिए लौंडे। चलो मिलते सुबह। जी पहुंच गए घर, अभी बनाएंगे खाना। मधु बनाएगी डिनर, उतने में मैं कर लूंगा थोड़ा सा एडिट, फिर खाएंगे और सो जाएंगे। तो दिखाते हैं आप लोगों को क्या बनाया आज लेट। हाँ जी, ये रहा आज का डिनर। आज है ये याकिसोबा नूडल्स, और साथ में हम लेके आके एक ग्रीन सैलड। मधु ने खा लिया, मैं खाता हूँ इसको निपटा के। व्लॉग की थोड़ी सी एडिटिंग बची आज, शायद ना थोड़ा सा जल्दी डाल दूंगा। ये स्पीड देख रहे हो, स्पीडी सिंह। तो चलो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड नाइट। Thank you for supporting, thank you for commenting, thank you for liking, thank you for subscribing. I'll see you guys tomorrow with a new one. Peace out.